बहादुरगढ़ के सरपंचों ने पंचायत समिति कार्यालय परिसर में इकट्ठे होकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान का विरोध जताया। सरपंचों ने ई ट्रेडिंग व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से सरपंचों को अधिकारियों की मनमानी के अनुसार चलना पड़ेगा। गांव की जनता की इच्छा के अनुसार विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। सरपंच को केवल 2 लाख रुपए की विकास कार्य करवाने का अधिकार देने का सरपंचों ने ना के बराबर बताया। साथ ही सरपंचों ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान और व्यवहार की निंदा भी की है। हमने एक मुहिम चलाई हुई है स्टेट में, जो ये ई टेंडरिंग का मुद्दा, इसके खिलाफ हम पूरे हरियाणा के सरपंचों को टोहाना में इकट्ठा करने लगे 15 तारीख को। वहाँ एक कमेटी का गठन करके आगे की आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। 3-4 मुद्दे वो उस दिन पूरे हरियाणा के सरपंच वहाँ पे होंगे, तो सामूहिक रूप से सबकी सलाह से जो जो मुद्दे हैं वो एक मांग पत्र तैयार करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। जो इसमें खामियाँ ये है, जो ई टेंडर प्रक्रिया, इसमें ठेकेदार गलत काम करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच की होगी। जिससे काम ठेकेदार करेगा वो तो गांव का नहीं है, सरपंच तो गांव का आदमी होता है, गांव में कोई गलत काम नहीं होने देगा आपके। वो काम करेगा, चले जाएगा और सारी 5 साल गाड़ी सरपंच खाएगा। इसलिए क्या मेन उद्देश्य है, जैसा कि सर ने बताया ऑलरेडी आपको कि ई टेंडरिंग और कुछ जो वाई आते चीज जो मंत्री जी ने बोले हमारे खिलाफ, जो हमारे आत्मसम्मान को छू गए हैं उसके खिलाफ, और जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है, एक ठेकेदारी का सिस्टम है, जिससे जो फिलहाल जो मंत्री है वो अपना सीधा जो अधिकारी उनसे ले सकते हैं, तो इस तरीके से वो खुद चोर है और हमें चोर बता रहे हैं। हमने अब सरपंच बने करीबन 2 महीने हुए और उनको पता लगा कि हम लोग चोर हैं। किस बेस पर, किस तरीके से कह सकते हैं चोर? क्या बोला मंत्री ने? मंत्री ने बोला कि जो भी सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है वो चोर है, उसके मन में खोट है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ